जिसमें का मोतियाली और मुजफ्फरपुर क्षेत्र के थे, जिसमें 2 करोड़ से अधिक का हम लोगों ने शिलान्यास और उद्घाटन हमने आज किया है। और ये कार्यक्रम के लिए मैं आज आया हूँ मोतियाली, और तमाम हमारे पार्टी के सुचिंतक सभी साथी लोग मिले हैं। कल मैं जतिया जाऊँगा, वहाँ पर पार्टी कार्यालय का उद्घाटन है, जहाँ पे लोकसभा 2024 के लिए तैयारी के लिए हम लोग पूरे बिहार में 13 कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, जहाँ पे 4000 लोकसभा का तैयारी कर सके। और परसों दरभंगा में कार्यक्रम है, तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरीके से आज हमारे साथ अन्याय हुआ है, और इसको लेके हम अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जिस तरीके से संघर्ष करके हम लोगों ने लड़ाई लड़कर अपने दम पर बिहार में सरकार बनाया, और इस सरकार में किस तरीके से हमारे साथ गलत किया है, अन्याय किया, सरकार हमने बनाया और हमें इस घर से बाहर कर दिया, और हमारे इस विधायक को खरीद लिया गया, हमारे विधायक को पार्टी को तोड़ दिया गया। तो खैर, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, और लड़ाई लड़के संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ऐसे तो नहीं है कि हमें विरासत में मिला है कि हम उसको लेके चल रहे हैं, आज हमने संघर्ष के बदौलत यहाँ पर पहुँचा है, और आने वाले समय में भी संघर्ष करेंगे, और जब तक हमारे समाज का हक अधिकार नहीं मिल जाता तब तक ये संघर्ष हम लोग जारी रखेंगे। इसको लेके पूरे बिहार में गांव-गांव घूमकर हम लोग अनुमंडल लेवल पे, प्रखंड लेवल पे इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। आज 75 साल तक हमारे लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन ये मुकाम हमारे लोगों ने नहीं पहुँच पाया। आज हम लोगों ने 2020 में कह सकते कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम हमने किया। आज कहीं ना कहीं उनको हजम नहीं हो रहा कि एक गरीब पिछड़ा मल्ला का बेटा इतने तेज़ी से इतने ऊंचाई तक बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो उनको रोकने का उन्होंने काम किया। वो चाहता है कि निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज हमेशा हमारा गुलाम बने रहे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस धरती पर, इस राज्य में हमारा भी अधिकार है। हमारे वोट से देश का प्रधानमंत्री बनता है, जब मुख्यमंत्री बनता है, तो भला हम किसी का गुलाम बने रहें। हम भी स्वतंत्र होकर स्वतंत्र भारत में हम भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहें। आज देखिए कि बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को SC का आरक्षण मिल रहा है, वहीं दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है SC का, लेकिन बिहार में नहीं मिलता। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पहुँच दिल्ली तक नहीं है। तो हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पहुंच दिल्ली तक पहुंचाएंगे, दिल्ली तक पहुंच होगा, निश्चित तौर पर हमारी आरक्षण की लड़ाई हम लोग अंजाम देंगे, और प्रदेश में भी हम लोग मजबूत हुए। और आपने देखा कि बोछाव में हमने चुनाव लड़ा, एक तरफ NDA पूरी शक्ति लगा दिया, हर एक पंचायत में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको उतार देने के बावजूद भी आरक्षण मिल रहा है, वहीं दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है SC का, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा। जब देश एक है, देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी पहुँच दिल्ली तक नहीं है। तो हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे, हमारी पहुँच दिल्ली तक पहुँचाएंगे, दिल्ली तक पहुँच होगा, निश्चित तौर पर हमारी आरक्षण की लड़ाई हम लोग अंजाम देंगे, और प्रदेश में भी हम लोग मजबूत हुए। और आपने देखा कि बोछाव में हमने चुनाव लड़ा, एक तरफ NDA पूरी शक्ति लगा दिया, हर एक पंचायत में विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री सबको उतार देने के बावजूद भी वहाँ पे उसे 45,000 वोट लाए, और हम अकेले अपने दम पर लड़े, हमने 30,000 वोट ला के हमने दिखा दिया, और वहीं पर NDA 36,000 वोट से वहाँ पे चुनाव हारे। और इससे पहले जब हम NDA में थे तो वही सीट हमने 2020 में 12,000 वोट से हमने जीता था। तो हमारी ताकत आप समझ सकते हैं कि राज्य में अगर हम 35% वोट की आवश्यकता है सरकार बनाने के लिए, तो उसमें से 18% आधे वोट हमारे पास है। आने वाले समय में VIP पार्टी बिहार में किंग मेकर की भूमिका में 2020 में भी था, और आने वाले समय में भी किंग मेकर की भूमिका में होंगे। हम किसी कोई पार्टी के पीछे घूमने वाले काम नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ बिहार के भलाई के लिए सरकार जिनको बनाना है वो हमारे साथ आए, सरकार बनाए, जो हमारे साथ नहीं होगा उनकी सरकार नहीं बनेगा, ये सुनिश्चित हो चुका है बिहार में। और खास करके भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे साथ गलत किया है, इसके लेके हम अपने लोगों को जागरूक करेंगे, और दोस्त और दुश्मन को पहचान कराएंगे, और आने वाले समय में जो लोग हमारे साथ गलत किया उनसे हम लोग सर राज्य में अपराध अपने चरम सीमा पे है, इस पे क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी पे इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अपराध गंभीर समस्या है बिहार में, इसको लेके हमारे बिहार में उद्योग, बड़े बड़े कारोबारी लोग नहीं आ पाते, तो इसके लिए सरकार को गंभीर होकर इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और हम लोग जब तक सरकार में रहे तो हमेशा इस पे प्रयास रहा कि अपराध रुके, लेकिन इस पे सरकार को अभी गंभीरता से इस पे विचार करना चाहिए, और इसके लिए जहाँ भी जो भी इस तरीके से अपराध हो रहा है वहाँ पे हम लोग मजबूती से अपनी बात रखेंगे। हम लोग तो अभी जनता के बीच में आए हैं, और अभी जनता के सहयोग से आने वाले समय में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। सर आगे पार्टी हित में क्या निर्णय लेंगे? जैसे NDA के निकालने के बाद आने वाले समय में निर्णय लिया जाएगा। अभी तो पार्टी
के पास 18% वोट है। हम चाहेंगे कि ये वोट हमारे 25% तक हम 2024 तक पहुंचाएं और 2024 तक 25% वोट हमारे पास आएगा तो हमारा एक बड़ा जनाधार होगा। इस पे हम लगे हैं और रहा सर चुनाव लड़ने का तो निश्चित तौर पे 2024 में चुनाव जो भी होगा उसमें गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे, लेकिन गठबंधन कहाँ होगा, कैसे होगा, किस कंडीशन पर होगा वो आने वाले समय में डिसीजन लेंगे।